सुनवाते हैं अंबा प्रसाद की अम्मा, पूर्व विधायक का बाइट आया है, वो क्या कहती हैं। ओम शांति सेंटर से, और अभी आप ही लोग के मुंह से सुन रहे हैं। बाहर में भीड़ काफी देखे, तभी घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है। हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। विधायक जी हैं यहाँ? यहाँ नहीं है। तो आपको अपने आवास में ही नहीं जाने दे रहे हैं? आपको अपने आवास में ही प्रवेश नहीं करने दे रही है? अब अंदर में कौन बंद किया है पता नहीं, आप ही लोग बताइए। अच्छा, जानकारी मिल रही है कि अंबा को लोकसभा का टिकट हजारीबाग से मिलने वाला हमको था। हमको जानकारी कुछ भी नहीं है। कार्रवाई को कैसे देखते हैं? और हम पसंद भी नहीं करते, हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब राजनीति बहुत गंदा है, आदमी को बर्बाद कर देता है। हमको राजनीति जरा से भी पसंद है। हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल कभी जेल से, मतलब कि जीतने के चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से, और सब दिन बाहर रहे और घर से बेघर रहे। इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं ईडी आज आवाज पहुंची है आपका? देखिए, अभी चुनाव का समय आया है तो मनोबल को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर इस बार कांग्रेस अगर जिम्मेवारी देती है अंबा प्रसाद को, क्या अपना किस्मत आजमाएंगे क्या लोकसभा में? हमको राजनीति पसंद नहीं है, हमारा घर बर्बाद हो गया है इसमें। हम नहीं चाहते हैं कि बोलते हैं बेटा कि घर में सूखा रोटी 2 ठो खाओ वही ठीक, हम बर्बाद हो गए, हम घर से बेघर बहुत दिन रहे। आज ऐसा नौबत आ गया है कि आपको अपने घर में ही प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, क्या ऐसा कहना चाहिए? नहीं है, ऐसा नहीं है, खुलेगा, खुलवाएंगे। कौन है सब अंदर में? तो ये विधायक अंबा प्रसाद की मां थी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, और उन्होंने कहा कि अब बहुत दिन इसी राजनीति की वजह से बहुत दिन उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ा था। घर में 2 सूखी रोटी खा लो, लेकिन राजनीति का रुख ना करो। तो एक तरह से वो इशारा दे रही है कि अगर राजनीति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह आपको घेरा जाएगा और आपको फंसाया जाएगा। फिलहाल अभी इस छापेमारी को लेकर बहुत साफ वो कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही, सीधे उन्होंने इशारा किया कि ये राजनीति है और इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, उनकी मां ने ये साफ इशारा किया कि राजनीति बहुत गंदी चीज है और इसी वजह से अंबा प्रसाद को फंसाया जा रहा है। फिलहाल क्या और अपडेट आपके पास है? जो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल हमें मिली है सूत्रों के हवाले से कि यही है कि जो गोविंदपुर पदस्थापित सीओ शशिभूषण के आवास में जिस तरीके से ईडी की जो टीम है वो सुबह ही पहुंची थी, तमाम दस्तावेज को खंगालने की कोशिश कर रही थी, और इस बीच 20 लाख नगद जो है वो बरामद किए गए। तो कह सकते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है आसिया, क्योंकि लगातार सुबह से ही 17 ठिकानों पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। अंबा प्रसाद समेत जो गोविंदपुर के पदस्थापित सीओ है शशिभूषण के साथ साथ कई ऐसे रिलेटिव है जिनके आवास में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी, और इस बीच यही खबर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि 20 लाख नगद जो है वो फिलहाल मिले हैं, बरामद किए गए हैं ईडी के अधिकारियों की ओर से। तो कह सकते हैं कि अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती भी नजर आ रही है, किस तरीके से तमाम ब्यौरा जो है वो यहाँ पर शशिभूषण देंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आपने सही कहा कि जिस तरीके से अंबा प्रसाद की जो माताश्री है उन्होंने एक बयान दिया, उनका कहना है कि राजनीति गंदी चीज है, तो उनका यही इशारा था कि अंबा प्रसाद किसी तरीके से आगे बढ़ रही थी और जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रही थी और तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वो प्रमुखता से अपनी बात को रखती है, क्षेत्र का काम कर रही है, और ऐसे में उनका यही कहना है कि वो आगे बढ़ रही थी लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर घेरने की कोशिश की जा रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका यही कहना है कि अंबा प्रसाद की संलिप्तता इसमें नहीं है, वो आगे बढ़ रही थी राजनीति में और फिलहाल उन्हें वापस यानी कि पीछे उनको भेजा जा रहा है, पीछे उनको ठेला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा बयान जो है उनकी माताश्री जरूर दी है, लेकिन फिलहाल सीओ के आवास से 20 लाख नगद जो है वो बरामद किए गए हैं। अब दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है, डिजिटल दस्तावेज को भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि मोबाइल को भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है, और अगर तमाम चीजों को खंगालने के बाद अगर ईडी के हाथों कुछ दस्तावेज मिलता है तो उसी के अनुसार यहाँ पर उसी के हिसाब से यहाँ पर आगे की जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी। एक बार हम कैमरा सहयोगी से बोलेंगे कि एक बार अंदर की तस्वीर दिखाए। हलचल जो है इस वक्त उतनी तेज नहीं देखने को मिल रही है, सुबह हलचल जो है वो काफी तेज हो गई थी, लेकिन ईडी के अधिकारी जो है इसी आवास में अंदर मौजूद है और अंदर से जो
खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो यही है कि ईडी के अधिकारी जो है वो एक एक दस्तावेज जो अंदर मौजूद है उसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल दस्तावेज को भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबा प्रसाद का जो मामले पे नाम सामने आ रहा है उसमें अंबा प्रसाद की संलिप्तता कितनी है। देखिये अंदर फिलहाल वैसी कोई भी हलचल जो है देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ईडी के अधिकारी जो है फिलहाल अंदर है, गाड़ियां अंदर लगी हुई है और ऐसे में ईडी के जो अधिकारी है वो अंदर मौजूद है। तो कह सकते हैं आसिया कि आने वाले समय में चीजें और स्पष्ट होगी, दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही ये भी जानने और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ईडी के अधिकारियों को क्या कुछ चीजें मिलती है और किस हिसाब से अंबा प्रसाद को आगे आने वाले समय में ईडी की ओर से समन जो है वो जारी किया जाता है। जी चलिए करिश्मा, तो आप नजर बनाए रखिए कि आगे क्या और कार्रवाई होती है और अंदर से छापेमारी जहां हो रही है और अंबा के सरकारी आवास से क्या वहां से ईडी को हाथ लगता है और क्या इसी आवास के अंदर फिलहाल अंबा प्रसाद मौजूद हैं या फिर वो हजारीबाग निकल चुकी थी। फिलहाल उनकी मां ने भी इस बात की जानकारी नहीं दी है और लगातार आपको हम अपडेट भी दे रहे हैं। एक बार फिर से सुनवाते हैं अंबा प्रसाद की मां ने क्या कहा इस छापेमारी को लेकर, क्यों उन्होंने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है और उनका पूरा परिवार इससे बिखर गया है। उन्होंने अपने बेटे का भी हवाला दिया कि उनके बेटा भी कहते हैं कि दो सूखी रोटी खाओ लेकिन घर पे रहो, राजनीति इतनी गंदी आखिर क्यों है, क्या इशारा था उनका, किस पर आरोप लगा रही है और क्यों राजनीति को गंदा कह रही है, सुनिए उनकी बाई। मुँह से सुन रहे बाबू, हम तो आ रहे हैं ओम शांति सेंटर से और अभी आप ही लोग के मुँह से सुन रहे हैं, बाहर में भीड़ काफ़ी देखे तभी, घर में ऐसे कोई नहीं है, सब रांची में है, हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। विधायक जी हैं यहाँ नहीं है, तो आपको अपने आवास में ही नहीं जाने दे रहे हैं, आपको अपने आवास में ही प्रवेश नहीं करने दे रही है। अब अंदर में कौन बंद किया है पता नहीं, आप ही लोग बताइए। अच्छा जानकारी मिल रही है कि अंबा को लोकसभा का टिकट हजारीबाग से मिलने वाला हमको था। हमको जानकारी कुछ भी नहीं है, कार्रवाई को कैसे देखते हैं? और हम पसंद भी नहीं करते, हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब राजनीति बहुत गंदा है, आदमी को बर्बाद कर देता है। हमको राजनीति जरा से भी पसंद है, हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल कभी जेल से, मतलब कि जीतने के चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से और सब दिन बाहर रहे और घर से बेघर रहे। इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं ईडी आज आवाज पहुंची है आपका, क्या कहें? देखिए अभी चुनाव का समय आया है तो मनोबल को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर इस बार कांग्रेस अगर जिम्मेवारी देती है अंबा प्रसाद को, क्या अपना किस्मत आजमाएंगे क्या लोकसभा में? हमको राजनीति पसंद नहीं है, हमारा घर बर्बाद हो गया है, इसमें हम नहीं चाहते हैं कि बोलते हैं बेटा कि घर में सूखा रोटी 2 ठो खाओ वही ठीक, हम बर्बाद हो गए, हम घर से बेघर बहुत दिन रहे। आज ऐसा नौबत आ गया है कि आपको अपने घर में ही प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, खुलेगा खुलवाएंगे। कौन है समंदर में के मुँह से सुन रहे हैं बाबू, हम तो आ रहे हैं ओम शांति सेंटर।